विलियनगिरी माउंटेन्स एक नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है जो कि वेस्टर्न घाट्स में सिचुएटेड है, तमिलनाडु के एरिया में। इसको दूसरी तरफ से देखा जाए तो सप्तगिरी भी कहा जाता है, सेवन हिल्स। और इसी में नोयाल रिवर ओरिजिनेट करता है और इसका मेजर ट्रिब्यूटरी है जो कावेरी है। इस हिल की मोस्टली वेजिटेशन देखा जाए तो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, और बाकी सेकेंड और थर्ड माउंटेन्स देखा जाए तो एवरग्रीन फॉरेस्ट है। अदर्स आर शोला फॉरेस्ट टाइप्स। दूसरा है सतुरा गिरी हिल्स। सतुरा गिरी हिल्स, और आपको यहाँ पे याद करने की चीज़ यह है कि ये तमिलनाडु एरिया में वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है। अर्थ बाउंड फ्रिजी फायरिंग, ये एक तरह का रेफरेंस है ऑर्बिट रेजिंग मनूवर को लेकर, जो कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट, दूसरे ऑर्बिट इस तरह से ट्रांसफर करने का मनूवर है। द हैंडलूम्स रिजर्वेशन ऑफ आर्टिकल्स फॉर प्रोडक्शन एक्ट 1985। यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर हैंडलूम्स। जो आर्टिकल्स इस एक्ट में रिजर्वड है वो दूसरे कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं अदर देन हैंडलूम्स। वो खास हैंडलूम्स सेक्टर के लिए रिजर्व किया जाए है। ये एक्ट एक तरह से हैंडलूम सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब आते हैं वेब 5। ये वेब 5 के क्या किस तरह की फीचर्स हैं? एक तरह का रैपिड नेटवर्क फंक्शनैलिटी रखता है, ये टोकन्स को इंडिपेंडेंट रखते हुए, और एक तरह का पीर टू पीर इंफ्रास्ट्रक्चर, या यूँ कहें तो पर्सनल सर्वर्स, जो कि किसी तरह का सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस को रिड्यूस कर देता है। अब पिलर्स ऑफ वेब 5। डिसेंट्रलाइज आइडेंटिफायर्स होते हैं, एक तरह से यूनिक आइडेंटिफायर है, सेल्फ जनरेटेड और सेल्फ ओन्ड, और एक तरह से यूनिवर्सल डिजिटल सिग्नेचर की तरह एनेबल करते हैं। उसी की वजह से सीमलेसली डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस को इंटरैक्ट कर सकते हैं। दूसरा है डिसेंट्रलाइज्ड वेब नोड्स। एक तरह का मैकेनिज्म है वेब 5 में, जो कि पीर टू पीर नेटवर्क में एक कंप्यूटर एक तरह से पर्सनल सर्वर की तरह काम करते हैं, और हाउस डाटा स्टोरेज कहा गया। यहाँ पर डाटा स्टोरेज नहीं कहा गया, हाउस डाटा स्टोरेज, इतना डिसेंट्रलाइज्ड है। रिले मैसेजेस है, फैसिलिटेट्स डिसेंट्रलाइज्ड एप्स एंड प्रोटोकॉल्स। अब दूसरा है फीचर है डिसेंट्रलाइज्ड वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन भी डिसेंट्रलाइज्ड है पूरी तरह से, जो कि सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि नोड्स को अलाउ करते हैं। उसी नोड्स की वजह से वो इंटरफेस और या डाटा को शेयर कर सकते हैं।